जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लुका रचन सुसमाचार 4:38। वह आराधनालय में से उठकर साइमन के घर में गया और साइमन की सास का जर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। साइमन पत्रस की सास वहाँ जर चढ़ा हुआ है, उस खबरों को यीशु के पास उन्होंने बताया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आके साइमन पत्रस की सास के बारे में खबरों को सुना रहे हैं और उनसे विनती करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास हमेशा हमारे परिस्थिति को, हमारे सारे जो कमी है उसको पहले बताना चाहिए। सबसे पहले यीशु के पास आना। शायद आपकी कर्जा की समस्या है या बाहर बोल नहीं सकते हैं, बहुत उलझने वाली समस्या में फंसे हुए हैं। सबसे पहले यीशु के पास उन्होंने विनती किया है। बाइबल में बहुत जहां में आप देखिएगा उन्होंने परमेश्वर से विनती किया और अपने समस्या को भी बताया। दाक्रस खत्म हो गई, समस्या को प्रभु यीशु मसीह के पास बताया। पहले मरियम यीशु मसीह के पास आके बताने के चलते परमेश्वर ने वहां चमत्कार किया। वहां मरकुस रचन सुसमाचार 6:35-36 में अगर देखेंगे, वहां जंगल में खाने के लिए रोटी नहीं है, उस समस्या को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। वहां की चमत्कार को देखिए, परमेश्वर ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को, 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों को खिला के वहां परमेश्वर अद्भुत काम किया। प्रभु यीशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसका मतलब आप अपने से समस्या को सुलझाने के या कहीं जाने के लिए कोशिश नहीं करना है, अपने से समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करके और बोझों को आप बढ़ाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, कितनी समस्या है या परेशानी है, इस बाहर बोल नहीं सकते हैं, ये सारे परेशानी को जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से परमेश्वर आपके आवाज को सुन के आपके लिए अद्भुत काम करके, जब आप छोटी सी प्रार्थना करके अपने दिल को प्रभु के पास अर्पण करने से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के क्षण भर में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।